एलजी का कह रहे हैं कि कुछ लोग आईआईटी होने के बाद भी अनपढ़ रहते हैं, उस पे क्या है? वो केजरीवाल पे ताना मार रहे हैं, आप जो कहा कि डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, एलजी साहब ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। एलजी साहब ने कन्फर्म कर दिया कि मोदी साहब की डिग्री ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल होती, जैसे मेरी ओरिजिनल डिग्री, मैं आईआईटी से हूँ, मैं डिग्री मुंह पे फेंकता। तो एलजी साहब के बाद इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मोदी साहब की डिग्री ओरिजिनल नहीं है। तो आज मोदी साहब कोस रहे होंगे किसको बना दिया मैंने एलजी। भारत की जनता को मुबारकबाद, देश की जनता को मुबारकबाद कि एक ऐसी पार्टी जिसने ना कि धर्म का कार्ड खेला, ना जाति का कार्ड खेला, ना क्षेत्रवाद का कार्ड खेला, ना जुमलेबाजी करी, सिर्फ जनता की समस्याओं का समाधान लेके आए, वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी आज। और यही पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भविष्य में बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनेंगे। जो लोग कहते थे कि ये आंदोलन से निकले हुए टिक नहीं पाएंगे राजनीति में, उनको क्या कहेंगे? एक मुहावरा है, जाको राखो साइयां, मार सके ना कोई। जो पार्टी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, आज भारत की जनता ने उसे राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो जनता की जो नुमाइंदगी है, जो जनता की जो इच्छा है, वो सर्वोपरि है। टीएमसी जैसी पार्टियां, सीपीआई जैसी पुरानी पार्टियां, वो हट गई हैं, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है। आरएलडी जैसी पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा ले लिया गया है। तो क्या लग रहा है भविष्य में आम आदमी पार्टी अपनी जो राष्ट्रीय उसको मिली है तो वो बरकरार रख पाएगी? नेचुरल सी बात है, चूंकि हमारी राजनीति में कोई जगह नहीं है क्षेत्रवाद की, धर्मवाद की, जातिवाद की। हम सिर्फ कामवाद वाले हैं, हम काम की राजनीति वाले हैं। इस देश की जनता थक गई उन पार्टियों से जो धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर लड़ाई लड़ती है, उनको चूसती है। तो आज काम की राजनीति वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और कल परसों पूरे देश के अंदर जब सरकार बनेगी, समस्याओं का समाधान वहां से आएगा। एक सवाल और है सर आखिरी। देखिए, मुद्दा इसमें सिर्फ दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जो ये है, जो मैं, ये मेरा व्यक्तिगत इसमें सुझाव है कि जिस वाइस चांसलर की बात हो रही है, जिनके साइन है, तो ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो वो वाइस चांसलर 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। दूसरा, जो डिग्री का पैटर्न है, जिस फॉन्ट पे वो डिग्री आई है, वो फॉन्ट इंडिया में 92 के बाद आया है, ठीक है। और तीसरा, जो इनका मोदी जी का खुद का एफिडेविट है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी जो एफिडेविट था उसमें जानकारी जो दी गई थी वो अलग थी। और 2014 से पहले जब उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की, तब उनके एफिडेविट में जो जानकारी है वो अलग है। तो एक व्यक्ति अगर दो तरह की जानकारी देता है तो कहीं ना कहीं, और खासतौर से अगर वो प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पे है और वो गलत जानकारी दे रहा है, तो हम बाकी जो हमारे देश की जनता है उससे हम क्या उम्मीद रखें? और फिर कहीं जो और चीजें आ जाती हैं तो वो खुद में संदेह के घेरे में प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को लेके आती है कि इनका मुख्य रूप से जो देखा जाए तो गलतियां कहीं हैं। अगर गलती नहीं होती तो ये ठोक बजा के उस चीज को दिखाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सारी चीजों को सार्वजनिक करते। जो तमाम जो सबूत इन्होंने दिए हैं तो वो सबूत साफ तौर पे बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं की गई है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आज तक किसी ने नहीं सुना, कोई दूसरा व्यक्ति उस सब्जेक्ट का नहीं मिला जिसने उस सब्जेक्ट में डिग्री ली हो। तो अकेले एक व्यक्ति के लिए वो डिग्री अलग से बनाई गई, वो पैटर्न का फॉन्ट अलग से बनाया गया, वो वाइस चांसलर जो रिटायर हो गए थे उनको दोबारा नियुक्त किया गया। तो ये तमाम कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, दाल पूरी दाल ये जो है वो काली सी नजर आती है। और दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कर्नाटक को लेके, मुस्लिम समुदाय को लेके, तो पहली चीज तो ये है, अमित शाह जी ये स्पष्ट करें कि 4% जो मुस्लिम कोटा आरक्षण का कोटा है वो अभी कर्नाटक में है या नहीं है। जैसे दिल्ली में मुस्लिम समाज के नेताओं से मिलते हैं और कहते हैं साहब नहीं, ध्यान में रखा जाएगा इस चीज को, और उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि साहब जो 4% मुस्लिम कोटा था कर्नाटक में आरक्षण में, वो खत्म कर दिया गया है। और उस 4% कोटे को खत्म करने के बाद वहां के एक व्यक्ति को आप पद्मश्री पद्मभूषण पुरस्कार देके आप क्या चाहते हैं कि पूरा समाज आपके यहाँ पास आ जाएगा? पूरे समाज को तो आपने नुकसान कर दिया, उनका उनका जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया, और एक व्यक्ति को आप पुरस्कृत कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वहां की जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। तो कर्नाटक चुनाव की खास तौर से बात करें तो वह भ्रष्टाचार के आपने चर्चे देख ही लिए, किस तरीके से मंत्री के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए पाए गए, वो बरामद हुए,
और उसके अलावा जो बेरोजगारी है उसको लेके वहाँ की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई पुख्ता काम नहीं किए। और खास तौर से हम गरीब व्यक्ति की बात करें तो उनका राशन जो पहले कांग्रेस सरकार ने 7 किलो चावल किया था वो घटा के भी इन्होंने 5 किलो कर दिया है। तो कुल मिला जुला के सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अलग तरह के एक एजेंडे लाए जा रहे हैं। फर्जी खबरों वाला जो मामला है वो लाया जा रहा है। अब सरकार कैसे निर्धारित करेगी कि ये खबर सत्य है या फर्जी है? सरकार के खिलाफ जो खबर जाएगी उसको साफ कह देंगे फर्जी है, चलो जी इसे हटा दो। इसका मतलब तो ये है ना कि आप कहीं ना कहीं बोलने की आजादी भी छीन रहे हैं। इसको तो कोर्ट तय करेगा कि खबर सत्य है या फर्जी है, कि सरकार इसे तय करेगी। ठीक है सर, क्या भरोसा नहीं है मोदी जी पर जब वो कह रहे हैं कि हमने की है, सार्वजनिक कर दी है, गुजरात कोर्ट ने तो केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मांग रहा है विपक्ष? क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो बात है मोदी जी के व्यक्तित्व में जो बाकी नेताओं से कुछ हटके हैं मोदी जी। अच्छा, किसी ने नेहरू जी की डिग्री के बारे में नहीं पूछा, किसी ने शास्त्री जी की डिग्री के बारे में नहीं पूछा, इंदिरा जी की, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, किसी की डिग्री के बारे में नहीं पूछा, इन्हीं की डिग्री के बारे में पूछा जाता है। आखिर कहीं कुछ तो बात है इनका, कुछ तो व्यक्तित्व इनका लगा। वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री को देश का हर व्यक्ति एक राष्ट्र के नायक के रूप में देखता है, अपने एक अच्छे नेता के रूप में देखता है, तो उसके जीवन के हर पहलू को एक आदर्श रूप में वो देखना चाहता है। और जब धीरे धीरे, पहले किसी ने मोदी जी को वोट देते समय किसी डिग्री देख के नहीं वोट दिया था, परंतु प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उनके देश का प्रधानमंत्री के हर पहलू को, जीवन के हर पहलू को हम देखें। और स्वाभाविक है, ये देखा ही जाएगा, उनको एक राष्ट्रनायक के रूप में देखते हैं, तो हमारे एक राष्ट्रनायक को कैसा होना चाहिए? जब कोई हमसे कहता है कि इसकी डिग्री फर्जी है तो किसकी बेइज्जती होती है? मेरे देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई अविश्वास व्यक्त करता है तो मेरे ऊपर अविश्वास व्यक्त करता है। मतलब क्या हमने एक ऐसे आदमी को चुन लिया है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप एक इतने बड़े पद पर हैं, इतने प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी हैं, तो क्यों नहीं आप डिग्री निकाल के साबित करके लोगों के मुंह पर फेंक देते, देखो ये रही। इसमें पूरे राष्ट्र का अपमान हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी जाती है कि एक फर्जी आदमी है, एक फेक आदमी को चुन लिया गया है जो कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। तो उसका अपना भी फर्ज बनता, अगर थोड़ी भी नैतिक कर्तव्य है उनका, थोड़ा भी अगर शर्म है, अगर नहीं तो ऐसे लोगों को तो महा ढीठ समझते हैं लोग, धूर समझते हैं जो फर्जी डिग्री ले, क्योंकि जिस डिग्री को दिखाया जा रहा है उसको प्रथम दृष्टया देखने से ही लगता है कि ये एक मामूली आदमी, देखिए मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ, किसी तरह से कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाला आदमी नहीं, पर देखने से ही पता लगता है कि ये डिग्री जो है इसमें यूनिवर्सिटी जहां 2 बार लिखी हुई है, एक जगह यूनिवर्सिटी बी लिखा हुआ है, एक जगह वे लिखा हुआ है, देखने से ही लगता है कि ये फर्जी है। तो सवाल ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए, मोदी जी ईमानदार है, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। देखो साहब, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, ईमानदार होना, कई पैरामीटर हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो आप उसे ईमानदार कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति ये बोलता रहा कि मैं साहब महंगाई पे काम करूंगा, मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा, मैं भ्रष्टाचार पे काम करूंगा, लेकिन उन्होंने काम किस पे किया है? उन्होंने काम अडानी को अमीर बनाने पे किया, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाने पे काम किया। आज जो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये कह रही है कि महंगाई बढ़ी है और इस समय और आने वाले 1 साल तक हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय है। उससे जो लोअर मिडिल क्लास है और कहीं ना कहीं जो निचला तबका है उसके लिए बड़ी चिंता की बात रहेगी। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले ये कहते थे कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएंगे, ठीक है, और जो तमाम चीजें हैं उन पे सब्सिडी दी जाएगी। अब वो प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में फर्क क्यों है? डीजल पेट्रोल जब हम रूस से सस्ते दाम पे ले रहे हैं, पिछला 1.5 साल हो गया है जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस हमें 30% कम कीमत पे डीजल पेट्रोल दे रहा है, कच्चा तेल दे रहा है, तो हम यहाँ पे उन कीमतों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम वही डीजल 50-60 रुपए लीटर अभी कर दें, पेट्रोल 70 रुपए लीटर अभी कर दें, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी खाद्यान्न है उसमें खर्चा 2 जगह से बढ़ रहा है सरकार के द्वारा। एक तो जीएसटी से, जो जीएसटी इन्होंने 18% लगा दी है रोज जरूरत के सामान पे, और दूसरा उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दोनों चीजों पे सरकार को ध्यान देना होगा, और इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। फिर सरकार क्या हवाला देती है कि सरकार ये कहने लग जाती है कि साहब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया में उस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो मोदी जी को क्या डर लग रहा है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, अगर मेरी फर्जी सामने आ गई तो मेरी भी सदस्यता चली जाएगी? देखो साहब, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें गिरने का डर तो होगा। और प्रधानमंत्री जी तो सर से लेके पैर तक, एड़ी से लेके चोटी तक
झूठ और फरेब में घिरे हुए हैं और उसमें बसे हुए हैं। आपने देखा अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है जिसके ऊपर महाभियोग चल रहा है और वो गिरफ्तार हो चुका है, उस पर केस होगी, वो जेल भी जाएगा। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये वही थे जो वहां जाके क्या कह रहे थे चुनाव प्रचार में ट्रंप के, कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये सारे जो चोर हैं, जो झूठे हैं और जो फरेबी लोग हैं, ये सारे पूरी दुनिया के झूठे फरेबी लोग एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे वो इजराइल के बेंजामिन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इनकी एक लॉबी बन गई है। और जिस दिन मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जो मोदी जी है प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो इनकी बची हुई पूरी जिंदगी जेल के भीतर जाएगी, इनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे क्योंकि ये सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, इनकी नस नस में झूठ और फरेब है। अरे कुछ लोग ये मान रहे हैं कि केजरीवाल ने राहुल गांधी का मुद्दा दबा दिया डिग्री का मुद्दा उठा के, कि कहीं मोदी जी को फायदा हो रहा है डिग्री का मुद्दा उठाने। नहीं, अडानी का मुद्दा देखिए ऐसा नहीं है, अडानी का मुद्दा भी चल रहा है, डिग्री का मुद्दा भी चल रहा है। मुख्य बात यह है कि बीजेपी इस समय घिरी हुई है, जो अहम बात है, क्योंकि डिग्री पे तो सवाल हम लोग भी पहले करते रहे हैं, आप केजरीवाल जी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले डिग्री पे सवाल कौन, पहले सवाल तो हम लोगों ने किए हैं, इनकी डिग्री पे सवाल किए हैं, स्मृति ईरानी की डिग्री पे सवाल किए हैं, और जो तमाम बीजेपी के नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ में लिप्त हैं, तो इन सब पे तमाम हम समय समय पे सवाल करते रहे हैं। कुल मिला जुला के बात यह है कि बीजेपी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है और उसी का परिणाम है जो इस समय सांप्रदायिकता की खबरें आपको बिहार और बंगाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मुद्दे से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जनता को मुद्दे से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप इनसे महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे, आप अडानी की बात करेंगे, आप जो है इनसे डिग्री की फर्जी डिग्री की बात करेंगे, तो ये आपको घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम पे लेके आएंगे, शमशान कब्रिस्तान पे लेके आएंगे, अजान पे लेके आ जाएंगे, बजरंग बली पे लेके आ जाएंगे। अब इन्होंने उत्तराखंड में एक नया सिगूफा छेड़ दिया, कह रहे हैं साहब कि 1000 फर्जी मजारे बनी हुई है। भाई अभी तक आप सो रहे थे, कम से कम 7-8 साल से आपकी सरकार है, आप अभी तक सो रहे थे कि आप इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव आएंगे कहीं और कब हम इस मुद्दे को गरमाएंगे, कब हम, अरे इस तरह की राजनीति छोड़ दीजिए, धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, आप विकास पे बात कीजिए। आपकी जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की जो रोटियां हैं वो हर जगह नहीं सिक सकती। भाई साहब फर्जी खबरें चलाने में तो बीजेपी नंबर वन है, त्रिपुरारी तिवारी और मनीष कश्यप किस मामले में जेल गया है, उस पर जो NSA लगी है वो फर्जी खबर चलाने पे तो लगी है कि उसने हिंसा का माहौल तैयार किया, उसने तमिलनाडु में ये जाके झूठ फैलाया कि यहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है। तो फर्जी खबर की लगाम में इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो इनके बीजेपी के नेता हैं, जो इनके बीजेपी IT सेल के लोग हैं, अगर इन्हीं को ये हिदायत देते हैं कि साहब झूठ ना फैलाओ तो फर्जी खबरों का बाजार तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक मोहरा तैयार किया जा रहा है, अब इसमें क्या होगा कि सरकार खुद तय करेगी कि फर्जी खबर कौन चला रहा है, जो सरकार के खिलाफ खबर चल रही है उसको ये फर्जी घोषित कर देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये भी सरकार का एक टूलकिट है, इसमें ये आप जैसे जो पत्रकार हैं इनको घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और इससे पहले भी तमाम सैकड़ों की संख्या में यूट्यूब पत्रकार जो थे, यूट्यूब चैनल जो थे, इनको भी बंद किया गया था। ये सच्चाई की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसी वजह से ये नए नए तरह के जो नियम्स हैं, कानून है, वो लेके आ रहे हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, इन्हें ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, चित्रा त्रिपाठी कह रही है गलत करा, उसे समझा देते। निश्चित तौर पे वो कहेंगे गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे थे, वो उनके एजेंट की तरह काम कर रहा था मनीष कश्यप, और जब उसकी सच्चाई का भंडाफोड़ हो गया, आप एक देख लो, एक तरफ डॉक्टर कफील, उसके ऊपर NSA लग रहा है तो वो सही है, जबकि वो क्या कर रहे थे, हाँ पत्रकार सिद्दीकी साहब, उनके ऊपर NSA लग रहा है तब कोई पत्रकार नहीं निकल के आता है, लेकिन एक जिहादी व्यक्ति जो समाज में नफरत फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है,